नमस्कार, मैं तृप्ति भटनागर, एनर्जी हीलर एवं कोच, स्वागत करती हूँ आपका अपने शो हर दिन कुछ कहता है में। जानने के लिए नवंबर 14 का खास पाठ। आप सभी को बाल दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बाल दिवस एक यादगार तारीख है जिसे बच्चों के प्रति स्नेह, दुलार और सम्मान प्रदर्शित करने के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसे मनाए जाने की तारीख हर देश में अलग अलग देखने को मिलती है। 1925 में पहले बाल विश्व कल्याण सम्मेलन के लिए विभिन्न देशों के प्रतिनिधि जेनेवा स्विट्जरलैंड में एकत्रित हुए। इस सम्मेलन के बाद कुछ सरकारों ने बच्चों की समस्याओं को रेखांकित करने के लिए एक दिन तय करने का निर्णय लिया। उसके बाद संयुक्त राज्य महासभा की ओर से 1954 में दुनिया में पहली बार 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस के रूप में स्थापित किया गया। दुनिया भर में बाल दिवस 20 नवंबर को ही प्रतिवर्ष मनाया जाता है। भारत में भी बाल दिवस 20 नवंबर को ही मनाया जाता था, लेकिन 27 मई 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद उनकी स्मृति में उनके जन्म दिवस यानी 14 नवंबर को भारत में बाल दिवस के रूप में मनाए जाने की शुरुआत हुई। देश के पहले प्रधानमंत्री का मानना था कि देश के भविष्य की सफलता और समृद्धि बच्चों की समृद्धि पर निर्भर करती है, और कोई भी राष्ट्र तब तक पूर्णतः विकसित नहीं हो सकता जब तक उसके बच्चे अविकसित, वंचित और कमजोर हों। पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों से विशेष स्नेह रखते थे और बच्चे भी उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। उन्हें चाचा नेहरू कहे जाने से जुड़ी कई बातें कही जाती हैं। इनमें से एक के अनुसार बच्चों के प्रति दोस्ताना रवैया रखने के कारण बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहते थे। ऐसा भी माना जाता है कि महात्मा गांधी के निकट होने के कारण इनको चाचा की संज्ञा मिली, क्योंकि ये महात्मा गांधी के छोटे भाई जैसे थे और महात्मा गांधी को सब बापू कहते थे। ऐसे में उनके छोटे भाई यानी पंडित नेहरू को चाचा की संज्ञा मिली। पंडित नेहरू ने कहा था कि आज के बच्चे भावी भारत का निर्माण करेंगे। जिस तरह से हम उनका पालन पोषण करेंगे, उसी पर देश का भविष्य निर्भर होगा। और अंत में क्या आप जानते हैं, 14 नवंबर 1939 को वेनेजुएला के लेगुनिलास में एक तेल रिफाइनरी में आग लगने से 500 लोग मारे गए और पूरा शहर नष्ट हो गया। और 14 नवंबर 2008 को चंद्रयान ऑर्बिटर का मून इंपैक्ट प्रोब MIP चंद्र सतह पर उतरा, जिससे भारत चंद्रमा पर अपना झंडा लगाने वाला चौथा देश बन गया।